हेलो स्टूडेंट्स, तो पिछले क्लास में हम लोग सॉल्ट टॉपिक स्टार्ट किए थे। उसके पहले एक छोटा सा टॉपिक रह गया है जो एनसीईआरटी में दिया है, उसको डिस्कस कर लेते हैं। दैट इज पीएच पेपर, है ना। पीएच कलर पेपर भी इसको बोलते हैं। पीएच कलर पेपर और पीएच स्केल में कोई भी डिफरेंस नहीं है। पीएच स्केल एक्चुअली एक स्केल है जिसमें वैल्यूज दी रहती है पीएच की, कितना आएगा तो कौन से रेंज में होगा, एसिड के रेंज में कौन सा होगा, बेस के रेंज में कौन सा होगा, और कौन सा पीएच वैल्यू न्यूट्रल को दिखाता है, दैट इज पीएच स्केल, है ना। यहाँ पे आप देख रहे हैं, एक मैंने ऐसे ही बॉक्स बनाया है, हॉरिजॉन्टल बॉक्स का चेन 1 to 14 तक। और हम जाते हैं कि पीएच स्केल में अगर देखें तो 1 to 6 या 1 to 6.9 तक, 7 से जस्ट पहले तक जो पीएच वैल्यू होता है वो एसिड का वैल्यू होता है, और 7 से अबव होकर 14 तक जो पीएच का वैल्यू होता है दैट इज बेसिक, है ना। और जैसे जैसे पीएच वैल्यू बढ़ता है बेस के केस में, बेस की तरफ, वैसे वैसे हाई मतलब बेस जो होता है स्ट्रांग हो जाता है ना। स्ट्रांग बेस, बेस का स्ट्रेंथ ताकत बढ़ जाता है जैसे पीएच का वैल्यू ज़्यादा आता है। और एसिड के केस में हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि जैसे जैसे पीएच का वैल्यू कम आता है वो उतना ही ज़्यादा स्ट्रांग एसिड होता है, यानी जितना कम वैल्यू आएगा 1 आएगा 2 आएगा तो वो ज़्यादा स्ट्रांग रहेगा, ज़्यादा आएगा मतलब 5 आएगा 6 आएगा तो वीक एसिड होगा, ठीक। तो एसिड का स्ट्रेंथ घटते क्रम में बढ़ता है, पीएच वैल्यू का जितना कम वैल्यू रहेगा उतना ज़्यादा एसिड स्ट्रांग रहेगा, और बेस के केस में पीएच वैल्यू जितना ज़्यादा रहता है उतना ज़्यादा स्ट्रांग बेस होता है। और बीच में एक नंबर होता है 7, है ना। ये 7 ये इंडिकेट करता है, ये पीएच वैल्यू अगर आता है तो दैट मीन्स न्यूट्रल। और इसी के बारे में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं या पढ़ रहे थे पिछले क्लास में। न्यूट्रल यानी जहाँ पर एसिड और बेस का इफेक्ट कम्प्लीटली नलीफाई हो जाए, ख़त्म हो जाए, और अल्टीमेटली हमको जो प्रोडक्ट मिले उसमें ना एसिड रहे ना बेस रहे, उसको हम लोग न्यूट्रल कंडीशन बोलते हैं, ठीक है। तो पीएच 7 वैल्यू जब आएगा तो उसका मतलब है न्यूट्रल, और न्यूट्रल अधिकतर सॉल्ट होते हैं, लेकिन सारे सॉल्ट नहीं होते हैं, ये भी हम लोगों ने पढ़ा है, ठीक। तो ये पीएच स्केल हो गया। अब इसको मैंने बॉक्स में बनाया, बुक में देखेंगे तो कई सारे कलर रेंज दिए हैं, 1 to 6 तक, फिर 7 का अलग, फिर हर एक जो पीएच वैल्यू है उसका अलग कलर दिया है। तो इसका मतलब क्या है, हर एक जो पीएच वैल्यू है उसका अलग कलर बताने का मतलब ये है, एक पीएच पेपर आता है, पीएच कलर पेपर, उसमें शेडेड ऑफ कलर रहता है, शेड ऑफ कलर। जैसे कि हम लोग बोलते हैं अगर एसिड रहेगा तो हमारा लिटमस पेपर क्या हो जाएगा, ब्लू टू रेड, है ना। हमारा लिटमस ब्लू टू रेड हो जाएगा एसिड की कंडीशन में। अब लेकिन एसिड सारे एक जैसे तो होते नहीं, सब में हाइड्रोजन आयन एक बराबर तो होगा नहीं, किसी में ज़्यादा हाइड्रोजन आयन होगा तो ज़्यादा एसिडिक होगा, जिसमें कम हाइड्रोजन आयन है वो कम एसिडिक होगा। तो इसलिए ब्लू टू रेड तो होगा, लेकिन वो रेड कितना ज़्यादा इंटेंस होगा, कितना गाढ़ा रेड बनेगा या कितना हल्का रेड बनेगा, वो डिपेंड करता है एसिड के स्ट्रेंथ पर, है ना। तो जैसे कि 1 है, हम लोग जानते हैं कि पीएच वैल्यू अगर जितना छोटा रहता है एसिड की तरफ अगर देखें तो उतना ही स्ट्रांग एसिड रहेगा, यानी 1 के केस में सबसे ज़्यादा डार्क रेड बनेगा, है ना, क्योंकि ये स्ट्रांग एसिड है, यहाँ पर हाइड्रोजन आयन की संख्या ज़्यादा होती है, समझ गए। देखिए हाइड्रोजन आयन की संख्या उसी में ज़्यादा होती है जो स्ट्रांग एसिड होता है, और स्ट्रांग एसिड कौन सा होगा, जिसका पीएच वैल्यू कम होता है, ठीक। ऐसे इस क्रम में चलेंगे, ओके। तो वही बात यहाँ बताई जा रही है कि हर अलग अलग एसिड का अलग अलग स्ट्रेंथ होता है, उसमें अलग अलग नंबर ऑफ हाइड्रोजन आयन होते हैं, और उसी के बेसिस पे क्या होता है, अलग अलग एसिड जो है अलग अलग शेड ऑफ कलर देता है, तो उसी को आप पहचान सकते हैं। जैसे आपने कोई सोल्यूशन लिया, उसमें डिप किया हमारा ब्लू कलर का लिटमस पेपर, डिप करने के बाद एक रेड कलर कोई आया रेड कलर का, तो उससे पता चल गया कि एसिड है, लेकिन हमको एसिड का स्ट्रेंथ नहीं पता है कि कितना उसका पीएच वैल्यू है। तो उसको हम लोग इस पीएच कलर पेपर जो लैब में अवेलेबल रहता है उससे मैच करा सकते हैं कि 1 वाले पीएच वैल्यू के कलर से मैच कर रहा है कि 2 कि 3, है ना। उसको जैसे मैच करेगा हमारा पीएच जो कलर डेवलप हुआ है उससे हम लोग बता सकते हैं कि जिस सोल्यूशन में हमने टेस्ट किया है और एसिडिक बता रहा है उसका पीएच वैल्यू क्या है, है ना। तो कलर मैचिंग के लिए ये पीएच पेपर यूज किया जाता है ताकि हमको एग्जैक्टली पता चल पाए कि उस पार्टिकुलर सैंपल का पीएच वैल्यू कितना है। जनरली हम लोग तो बस कर देते हैं कि एसिड है लिटमस ब्लू टू रेड हो गया, तो ब्लू टू रेड तो इंडिकेट करता है कि एसिड है, लेकिन उस एसिड का पीएच वैल्यू क्या है उसको हम लोग पीएच पेपर के जो कलर दिए रहते हैं अलग अलग पीएच वैल्यू का कलर उससे मैच करा के बता सकते हैं कि उस पार्टिकुलर कलर जो डेवलप हुआ है
उसका पीएच वैल्यू क्या होगा। तो ये काफ़ी यूजफुल है, हम लोग को सैंपल का पीएच वैल्यू भी बता देता है कलर मैचिंग से। उसी तरह बेस में हम लोग पढ़ते हैं कि लिटमस हमारा रेड से ब्लू हो जाता है, है ना। अब रेड से ब्लू जाएगा, आप देखेंगे जो पीएच कलर पेपर है बुक में दिया है वो यहाँ पर थोड़ा सा ग्रीनिश होता है, फिर इसमें और हल्का सा ग्रीन कम होता है, ब्लू इस कलर बढ़ते जाता है और लास्ट में बहुत ज़्यादा ब्लू होता है। तो जितना ज़्यादा ब्लू होगा उतना ज़्यादा स्ट्रांग बेस होगा, ठीक। तो यहाँ पर वही के साथ है कि सारे बेस का स्ट्रेंथ एक जैसा तो होता नहीं है, किसी में हाइड्रोक्सिल आयन ज़्यादा होंगे किसी में कम होंगे। तो जिसमें ज़्यादा हाइड्रोक्सिल आयन आएंगे उसका कलर कुछ और आएगा, उसको हम लोग मैच करा लेंगे। कोई सैंपल ले लेंगे, उसमें डिप करेंगे रेड कलर का लिटमस पेपर, और जो ब्लू कलर आएगा या ग्रीनिश कलर आएगा उसको मैच कराएंगे कि 8 से मिल रहा है कि 9 से मिल रहा है, ठीक। और उसको मैच करा के हम लोग बता सकते हैं कि अलग अलग जो पार्टिकुलर सैंपल दिया गया वो बेसिक तो है लेकिन उसका पीएच वैल्यू कितना है। वो वीक बेस होगा तो कम वैल्यू पे उसका कलर मैच करेगा, और स्ट्रांग बेस होगा तो उसका ज़्यादा वैल्यू पे पीएच कलर पेपर पे मैच करेगा, है ना। तो इस तरह से पीएच पेपर बड़ा ही यूजफुल है, जिससे हम लोग अलग अलग सैंपल के पीएच वैल्यू को एग्जैक्टली बता सकते हैं बाई कलर मैचिंग, ठीक। ओके, तो पीएच पेपर भी पीएच स्केल की सहायता से बनाया है ना, जो सोरेनसन ने बनाया था। तो ये काफ़ी यूजफुल मेथड है जो लैब में हम लोग कर सकते हैं, और पीएच वैल्यू किसी का भी बता सकते हैं किसी भी सैंपल का लिटमस पेपर के कलर चेंज के बेसिस पे, ठीक है, बाय मैचिंग दीज कलर। ये कुछ कलर मैंने कलर तो यहाँ बनाया नहीं है, बुक में आप देखेंगे तो अलग अलग कलर शेड दिए हैं, तो उससे मैच करा के आप कर सकते हैं फाइंड आउट कि क्या एसिड है क्या बेस है। अच्छा, एक टॉपिक और छोटा सा था, एक्टिविटी सॉयल पीएच। सॉयल का मान लीजिए आपको पीएच निकालना है तो क्या करना होगा, बहुत ही सिंपल मेथड है कि आप कोई कंटेनर लेंगे, मान लीजिए ले लेते हैं कोई बीकर, उसमें पानी मिट्टी ले लेंगे थोड़ा सा और उसमें पानी भर देंगे, पूरा नहीं पूरा भरा हुआ नहीं थोड़ा भरा रहेगा, और उसको हम सॉयल को मिक्स कर देंगे अच्छे से घोल देंगे, ठीक है, उसको फिर सेटल डाउन हो जाने देंगे थोड़ा सा। तो थोड़ी देर बाद देखेंगे कि हमारे कंटेनर में जो मिट्टी है, जो बड़े पार्ट के लेंगे वो तो बैठ जाएंगे यहाँ पे ये सारे, बाकी जो पानी पूरा रहेगा जो क्लियर था स्टार्टिंग में वो थोड़ा सा मडी हो जाएगा, यानी धुंधला हो जाएगा, गंदा हो जाएगा। अब उस गंदे पानी में आप लिटमस पेपर लेके डिप करिए, ठीक है, एक बार रेड लिटमस पेपर और एक बार ब्लू लिटमस पेपर, ठीक। तो इस रेड लिटमस पेपर एक बार ट्राई करिए, रेड लिटमस पेपर डालेंगे अगर उसमें कोई कलर चेंज नहीं हुआ तो यानी कि बेसिक तो नहीं है चीज़, है ना। अब फिर कुछ भी हो सकता है वो आप चेक कर सकते हैं बारी बारी से दोनों लिटमस पेपर को इस्तेमाल करके, ठीक है। तो रेड लिटमस पेपर उसमें डिप करेंगे क्लियर सोल्यूशन में, जो थोड़ा धुंधला हो गया मिट्टी के मिलने से कुछ कलर आएगा तो ठीक है, अगर कुछ कलर नहीं आया तो दैट मीन्स उसमें बेस नहीं है, क्योंकि रेड ब्लू में होता है जब बेस होता है, और रेड अगर रेड ही रह गया तो दैट मीन्स कि उसमें बेस तो नहीं है, एसिड होने के चांस है। तो फिर ब्लू लिटमस पेपर डिप करेंगे उसमें देखेंगे अगर ब्लू से हल्का सा भी रेड हो रहा है तो दैट मीन्स हमारा जो सॉयल था वो एसिडिक था, है ना। तो इस तरह से हम लोग सॉयल का पीएच निकाल सकते हैं, और जो कलर डेवलप होगा लिटमस पेपर पे उसको पीएच पेपर से हम लोग मैच करा सकते हैं कि पीएच पेपर पे जो एसिड का 1-6 तक दिया है उसमें किसके कलर से वो मैच कर रहा है तो उसका उतना पीएच वैल्यू होगा। तो इस तरह से हम लोग सॉइल का पीएच निकाल सकते हैं। देखिए पानी जो इसमें लेते हैं हम लोग नॉर्मल टैप वाटर या जो नल में आता है या जैसे डायरेक्टली हम लोग पानी निकालते हैं हैंडपम्प वगैरह से, वो पानी इसमें नहीं लेंगे क्योंकि जो टैप वाटर वगैरह होता है वो थोड़ा मोड़ा एसिडिक होता है, बहुत वीकली एसिडिक होता है क्योंकि उसमें बहुत सारी चीज़ें मिक्स रहती हैं, बहुत सारे मिनरल्स होते हैं, वो इंटरफियर करेंगे आपका रिजल्ट सही नहीं आएगा। इसलिए हमेशा डिस्टिल्ड वाटर यूज किया जाता है, डिस्टिल्ड वाटर। डिस्टिलेशन प्रोसेस आप क्लास 9 में तो शायद नहीं पढ़ पाए थे, डिलीट हो गया था। तो डिस्टिलेशन प्रोसेस से पानी में जितने भी इंपॉर्टेंट मिनरल्स है या जो भी चीज़ें उनको हटा दिया जाता है, एकदम प्योर वाटर रहता है, वो पीने लायक नहीं रहता क्योंकि उसमें कुछ भी मिनरल वगैरह कुछ नहीं होते। तो उस वाटर को जनरली हम लोग किसी भी साइंस के एक्सपेरिमेंट में जहाँ वाटर की ज़रूरत है यूज की जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे भी डिस्टिल वाटर यूज करेंगे ताकि हमारा पानी एसिडिक अगर रहेगा तो डिस्टर्ब कर देगा, हमको पता ही नहीं चलेगा कि मिट्टी एसिडिक है कि पानी
दैट्स इज वाई हमको हमेशा एक्सपेरिमेंट करते समय डिस्टिल वाटर ही यूज करना चाहिए ताकि हमको एग्जैक्ट रिजल्ट मिल पाए। ठीक है, हो गया ये। तो ये कुछ चीज़ें थी जिसको आप आराम से कर सकते हैं, समझ सकते हैं, और पीएच पेपर की सहायता से जो कलर डेवलप हो रहा है लिटमस पेपर पे उसको मैच करा के उसका पीएच वैल्यू भी बता सकते हैं कि एसिडिक है तो कितना पीएच वाला है, और पीएच के बेसिस पे आप मतलब कलर मैचिंग के बेसिस पे ये भी बता सकते हैं कि ज़्यादा एसिडिक है कि वीक एसिडिक है, ज़्यादा बेसिक है वीकली बेसिक है। ज़्यादा पीएच का वैल्यू आएगा तो स्ट्रॉन्ग बेस है, कम पीएच का वैल्यू आएगा तो वीक बेस। अगर 7 आ गया, 7 वाले कलर से मैच कर रहा है तो न्यूट्रल है ना। ऐसा भी हो सकता है, जरूरी नहीं कि सॉइल एसिडिक या बेसिक हो, न्यूट्रल भी हो सकता है। तो इस तरह के बहुत सारा इम्पॉर्टेंट इसका यूज है पीएच कलर पेपर का या पीएच पेपर का। ओके, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा हम लोग सॉइल टॉपिक पे थे। तो सॉइल टॉपिक में हम लोगों ने 4 टाइप के सॉइल के बारे में पढ़ा था ना, सॉल्ट टॉपिक हम लोग पढ़ रहे थे। तो सॉल्ट इज अ न्यूट्रल प्रोडक्ट विच इज फॉर्म बाय द न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बिटवीन एसिड एंड बेस। अब जब अगर सॉल्ट के टाइप हम लोग पढ़ रहे थे, स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस गिव राइज टू सॉल्ट प्लस वाटर। ठीक है, देखिए जब स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस दोनों एक दूसरे से रिएक्ट करेंगे, एक दूसरे का मतलब पावर दोनों का इक्वल रहेगा, तो उस केस में जो सॉल्ट बनेगा वो कैसा बनेगा, न्यूट्रल है ना। ये मैंने बताया था न्यूट्रल सॉल्ट का, न्यूट्रल का वैल्यू क्या होता है, पीएच 7। ठीक, अब दूसरा कंडीशन है जब एसिड भी वीक हो और बेस भी वीक हो, दोनों इक्वली बेस वीक हो, वीक एसिड का मतलब पीएच वैल्यू ज़्यादा रहेगा है ना, वीक एसिड प्लस वीक बेस। और यहाँ पर पीएच वैल्यू कम रहेगा बेस के केस में, जैसा कि हम लोग पीएच स्केल में पढ़े थे। तो वीक एसिड और वीक बेस जब रिएक्ट करते हैं तब भी सॉल्ट बनेगा, फिर वाटर बनेगा, ये कॉमन चीज़ें हैं, सभी में बनेगा। यहाँ पर भी जो सॉल्ट बनेगा वो न्यूट्रल बनेगा। ठीक, तो ये कंडीशन हमको याद रखना पड़ेगा कि जब भी स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन करते हैं और सॉल्ट और वाटर बनाते हैं, तो उस केस में जो सॉल्ट हमारा बनता है न्यूट्रल होता है, और न्यूट्रल सब्सटेंस का पीएच वैल्यू 7 होता है। वीक एसिड और वीक बेस रहेंगे, वो भी रिएक्ट करेंगे तो वो भी न्यूट्रल टाइप ऑफ सॉल्ट बनाएंगे जिसका पीएच वैल्यू 7 रहेगा। अब तीसरा कंडीशन या तीसरा टाइप ऑफ सॉल्ट हम लोगों ने पढ़ा था, सॉरी दूसरा टाइप, ये तो कॉमन होगा न्यूट्रल सॉल्ट। दूसरा हम लोगों ने पढ़ा था एसिडिक सॉल्ट। एसिडिक सॉल्ट में क्या होगा कि एसिड स्ट्रॉन्ग रहेगा, स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस वीक बेस। ठीक है, स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस से रिएक्ट करेगा तो सोचिए जितना कुछ हद तक ये न्यूट्रलाइजेशन होगा, लेकिन चूंकि ये एसिड स्ट्रॉन्ग है तो इसका इफेक्ट ज्यादा रहेगा प्रोडक्ट में, इसलिए हमारा जो सॉल्ट बनेगा वो कैसा होगा, वो होगा एसिडिक सॉल्ट। एसिडिक सॉल्ट का मतलब है पीएच वैल्यू क्या होगा, पीएच वैल्यू 7 से कम होगा, 7 से कम आता है तो एसिड का रेंज आ जाता है ना। तो ये हो गया चौथा जो कंडीशन है, यानी तीसरा टाइप जो हम लोगों ने सॉल्ट का पढ़ा था, उसमें क्या था, वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस। अब यहाँ पे एसिड वीक ले रहे हैं, स्ट्रॉन्ग बेस ले रहे हैं, तो एसिड जो है कुछ हद तक बेस को न्यूट्रलाइज करेगा, लेकिन एक्स्ट्रा में बचा रहेगा हमारा बेस क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग है। तो जो सॉल्ट बनेगा इसके रिजल्ट में वो होगा हमारा बेसिक सॉल्ट। ठीक है, बेसिक सॉल्ट यानी पीएच वैल्यू कितना होगा, मोर देन 7, 7 से ऊपर जो होता है वो बेस का स्केल होता है, बेस का रेंज होता है, तो वो होगा। इस तरह से दो कंडीशन में जो एसिड मिलता है हमको न्यूट्रल मिलता है पीएच 7 वाला, बाकी अगले कंडीशन में जब एसिड स्ट्रॉन्ग रहेगा बेस वीक रहेगा, तो उस कंडीशन में सॉल्ट जो मिलता है वो एसिडिक मिलता है। और जब चौथे कंडीशन में देखा जाए तो वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस जब मिलेंगे तो हमारा सॉल्ट बेसिक बनेगा। उसके अलावा हम लोगों ने एक पढ़ा था कॉम्प्लेक्स सॉल्ट, जो आप हायर क्लास में भी
पढ़ेंगे, फिलहाल नहीं पढ़ना है। तो ये सॉल्ट के टाइप हो गए, और हम लोगों ने वर्ड के फॉर्म में समझ भी लिया कि किस तरह से सॉल्ट फॉर्म होते हैं। ओके चलिए, तो ये तो सॉल्ट की बात हो गई। अब सॉल्ट के बारे में बहुत सारी हिस्ट्री है, जैसे आप दांडी मार्च वगैरह जानते होंगे, इसका भी डिस्क्रिप्शन है आपके NCERT में, है ना, दांडी मार्च महात्मा गांधी ने कहाँ से कहाँ किया था, अपने आश्रम से लेकर दांडी तक किया था, और वहाँ पे समुद्र के किनारे जाकर नमक कानून या सॉल्ट लॉ था उसको ब्रेक किया था। नमक कानून क्या था, हिस्ट्री में आप शायद पढ़े होंगे, नमक कानून था कि जो सॉल्ट बनाने का प्रोसेस है, मतलब सॉल्ट तो इजीली अवेलेबल होता है समुद्र के किनारे, तो उसको जो बनाने का प्रोसेस है उसका सारा अधिकार अंग्रेजों ने ले लिया था, ब्रिटिशर्स ने, और साथ ही साथ जो अगर उसमें काम कर रहा है कोई व्यक्ति तो उस पर टैक्स बहुत ज़्यादा लगाया जा रहा था सॉल्ट बनाने के लिए। तो उसी कानून को तोड़ने के लिए एक पैदल यात्रा, काफ़ी लंबी यात्रा, 350 किलोमीटर की लंबी यात्रा गांधी जी ने उनके फॉलोअर्स ने पैदल ट्रेवल की थी, और इस कानून को ब्रेक किया था कि नमक जो है उस पर सबका हक है और इस पर एक्स्ट्रा टैक्स या टैक्स नहीं लगाना चाहिए, टैक्स फ्री होना चाहिए क्योंकि प्राकृतिक रूप से सबके लिए अवेलेबल है। तो इस तरह का इंसिडेंट था सॉल्ट से रिलेटेड, है ना, रन बाय महात्मा गांधी जी। ओके, तो सॉल्ट का बहुत सारा वैल्यू है, सॉल्ट बहुत ज़्यादा मात्रा में अवेलेबल होता है और समुद्र के पानी से अवेलेबल होता है, ये सारी चीज़ें हम लोगों ने समझ ली। अब जो सॉल्ट हमको समुद्र से मिलता है या रॉक सॉल्ट जो मिलता है वो थोड़ा सा रेडिस होता है, रेडिस थोड़ा सा लाल कलर का उसमें होता है क्योंकि उसमें कुछ इम्प्योरिटीज होती है, तो उस इम्प्योरिटीज को रिमूव किया जाता है ना, रिमूव इम्प्योरिटीज, तो फिर वो वाइट सॉल्ट में कन्वर्ट हो जाता है। उसमें और भी चीज़ें केमिकल मिलाए जाते हैं तब वो सॉल्ट जो है वाइट कलर का हो जाता है, उसमें से इम्प्योरिटीज रिमूव हो जाती है।